सबसे पहले हम 1.25 किलो चिकन में दही, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर सब डाल के चिकन को मैरिनेट करने रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए 2 घंटा रख के उसके बाद हम उसको तेल में फिर चिकन को फ्राई कर लेंगे। फिर हम प्याज और टमाटर को काट लेंगे। बासमती चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। फिर खौलते हुए पानी में कुछ गरम मसाले डालकर भीगे हुए चावल को उसमें डालेंगे और नमक डाल देंगे। नमक को हम चख लेंगे, नमक एकदम सूप की तरह लगे उसके बाद उस पानी से चावल को एक कन चावल जब कच्चा रहेगा तो उसको निकाल लेंगे। चावल निकालने के बाद एक साइड उसको रख लेंगे। फिर एक भगोने में हम 4 कलछी तेल और तला हुआ जो तेल है उसको भी उसमें डाल देंगे और उसमें प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम तली हुई प्याज को निकाल लेंगे। फिर उसमें कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, इलायची, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के उसका टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी, लाल मिर्चा, धनिया पाउडर सब डालकर मसाले को अच्छे भून लेंगे। फिर उसमें बची हुई मैरिनेशन वाली दही को भी हम उसमें ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम उसमें तले हुए चिकन को डाल देंगे। तले हुए चिकन को थोड़ा देर भूनने के बाद धनिया मिर्चा उसमें ऐड करेंगे और फिर हम एक कच्चे चावल को उसमें डाल के उसमें तली हुई प्याज थोड़ी सी बचा कर सारी डाल देंगे और उसमें उबले हुए पानी का थोड़ा सा पानी हम जो बचाए थे उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे जिसमें एक कन की चावल भी पक जाएगा। फिर भगोने के नीचे तवे को लगाकर हम बिरयानी को दम पर रख देंगे। जब बिरयानी दम होकर एकदम तैयार हो जाएगी थोड़ी सी बची हुई प्याज में केवड़ा जल डालकर हम ऊपर से छिड़क देंगे और उसमें कलर पानी में घोलकर ऊपर डाल देंगे। हमारी बिरयानी तैयार है।